नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका काम की बात में। तो चलिए शुरू करते हैं भाग दो। इसके बाद 18 जनवरी 1920 को विनायक जी के भाई डॉक्टर नारायण राव सावरकर जी ने महात्मा गांधी जी को पत्र लिखकर सावरकर बंधुओं की सजा कम करने के लिए कुछ कदम उठाने के लिए कहा। इस पत्र के जवाब में 25 जनवरी 1920 को लाहौर से लिखे अपने पत्र में गांधी जी ने लिखा कि आप संक्षिप्त याचिका तैयार करें, मैं अपने ढंग से इस मामले में कदम उठा रहा हूँ। इसके बाद सावरकर जी ने 30 मार्च 1920 को ब्रिटिश सरकार को एक और दया याचिका प्रस्तुत की, लेकिन इस याचिका को भी ब्रिटिश सरकार ने 12 जुलाई 1920 को खारिज कर दिया। इसके बाद 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महात्मा गांधी, विट्ठल भाई पटेल और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं ने उनकी बिना शर्त रिहाई की मांग की, लेकिन उस समय सावरकर जी को इस शर्त पर रिहा किया गया था कि वे 1924 से 1929 के बीच 5 वर्षों तक रत्नागिरी जिला महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही किसी राजनीतिक क्रियाकलाप में भाग लेंगे और हिंसा का त्याग कर देंगे। लेकिन जयवंत जोगलेकर अपनी पुस्तक हिंदू राष्ट्रवाद के पिता में लिखते हैं कि सावरकर की दया याचिका एक चाल थी, क्योंकि उनका सोचना यह था कि अगर वो जेल में ही रहेंगे तो मैं अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा, जबकि जेल के बाहर क्रांति की लड़ाई आगे बढ़ा सकता हूं। 2 मई 1921 को सावरकर बंधुओं को रत्नागिरी की जेल में लाया गया और बाद में यरवदा सेंट्रल जेल में रखा गया। आखिरकार उन्हें कड़े प्रतिबंधों के तहत 6 जनवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। उन्होंने एक राजनीतिक प्रशिक्षु यानी पॉलिटिकल ट्रेनी के रूप में प्रति माह 100 रुपए की राशि की मांग की। ब्रिटिश सरकार ने अपनी अनिवार्य बेरोजगार के एवज में 60 रुपए प्रति माह के वजीफे पर सहमति दे दी। हालांकि 1937 तक उनकी गतिविधियों पर पुलिस प्रतिबंध नहीं हटाया गया। 1924 से 1937 का समय इनके जीवन का समाज सुधार को समर्पित काल रहा। इसके बाद सावरकर जी बंबई चले गए और 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए और वहां 1943 तक काम किया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में सावरकर जी ने सभी राजनीति का हिंदूकरण और हिंदुत्व का मिलिट्रीकरण का नारा दिया और दूसरे विश्व युद्ध में हिंदुओं को अंग्रेजों के साथ लड़ने का समर्थन किया, क्योंकि वे चाहते थे कि हिंदू अगर अंग्रेजों के साथ लड़ेंगे तो उन्हें लड़ाई का अभ्यास अच्छी तरह से हो जाएगा। 1942 में जब कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया तो सावरकर के तहत हिंदू महासभा ने भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान का खुलकर विरोध किया और आधिकारिक रूप से इसका बहिष्कार किया। सावरकर जी ने नारा दिया स्टिक टू योर पोस्ट, यानी उन्होंने हिंदू सभा के सदस्यों को निर्देश दिया था कि वे नगर पालिकाओं, स्थानीय निकायों, विधानसभाओं के सदस्य या सेना में बने रहें, अंग्रेजों के साथ रहें और किसी भी कीमत पर भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल ना हों। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने 1944 में जिन्ना के साथ बातचीत करने की गांधी की पहल का विरोध किया। उन्होंने मुस्लिम अलगाववादियों को रियायत देने के लिए कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों पर हमला करते हुए सत्ता के हस्तांतरण के ब्रिटिश प्रस्तावों को अस्वीकार किया। इसलिए आजादी के तुरंत बाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने अखंड हिंदुस्तान की विचारधारा से खुद को अलग कर लिया और हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। 15 अगस्त 1947 को विनायक दामोदर सावरकर जी ने सावरकर सदन में भारतीय तिरंगा एवं भगवा दो ध्वजारोहण की है। इस अवसर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मुझे स्वराज्य प्राप्ति की खुशी है, परंतु वह खंडित है, इसका दुख है। राज्य की सीमाएं नदी तथा पहाड़ों या संधि पत्रों से निर्धारित नहीं होती, वह देश के नवयुवकों के शौर्य, धैर्य, त्याग एवं पराक्रम से निर्धारित होती हैं। महात्मा गांधी जी की हत्या के उपरांत 5 फरवरी 1948 को उन्हें प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की धारा के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया। 19 अक्टूबर 1949 को उनके छोटे भाई नारायण राव का देहांत हो गया। इसके बाद 4 अप्रैल 1950 को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के दिल्ली आगमन की पूर्व संध्या पर उन्हें स्वाधीनवश बेलगांव जेल में रोक कर रखा गया। मई 1952 में पुणे की एक विशाल जनसभा में अभिनव भारत संगठन को उसके उद्देश्य पूर्ण होने पर भंग कर दिया गया, क्योंकि अभिनव भारत का उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति, जो कि हो चुकी थी, इसलिए उसे भंग कर दिया गया। 10 नवंबर 1957 को नई दिल्ली में आयोजित हुए 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शताब्दी समारोह में वे मुख्य वक्ता रहे। 8 अक्टूबर 1959 को उन्हें पुणे विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से अलंकृत किया। इसके बाद 8 नवंबर 1963 को इनकी पत्नी यमुना बाई चल बसी। सितंबर 1965 में उन्हें तेज बुखार आ गया, जिसके बाद इनका स्वास्थ्य गिरने लगा और 1 फरवरी 1966 को उन्होंने मृत्यु पर्यंत उपवास करने का निर्णय लिया। 26 फरवरी 1966 को बंबई में भारतीय समय अनुसार प्रातः 10 बजे उनका देहावसान हो गया। तो दोस्तों, ये जीवनी देखकर आपको क्या लगता है कि वीर सावरकर जी कैसे व्यक्तित्व के इंसान थे? अपनी राय
हमें कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आर्यव्रत नाम से एक और चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम उसमें असली भारतीय इतिहास का खुलासा करने वाले हैं। उस चैनल में आपको अपना सच्चा इतिहास मिलेगा जो आज तक आपसे छुपाया गया है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार।